आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक वाई रोटर स्लॉट आर स्क्वेयर, मतलब कि रोटर पर जो ये स्लॉट होते हैं ये आखिर तिरछे क्यों होते हैं। दोस्तों आज का यह सवाल इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर हमसे कुछ इस तरीके के सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आखिर इस सवाल का सही जवाब क्या है, वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर जो स्लॉट वर्ड यूज में लिया है ये स्लॉट क्या होता है। तो दोस्तों स्लॉट किसे बोलते हैं उसे आप आसानी से इस इमेज से देख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे टोटल दो चीजें दिख रही है, एक स्टेटर और एक रोटर है। ये आपको कुछ इस तरीके ही इंडस्ट्री में भी देखने को मिलता है, लेकिन असलियत में कुछ इस प्रकार के नहीं होते। असलियत में अगर आप स्टेटर को देखोगे, ये स्टेटर की सारी वाइंडिंग हटा दोगे और स्टेटर को बाहर निकाल के देखोगे तो आपको स्टेटर कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। अब इस स्टेटर के अंदर आपको यहाँ पे जो एक गैप दिख रहा है यह हमारी वाइंडिंग रखने के लिए गैप होते हैं, और इसी जगह को ही, इसी गैप को ही हम स्लॉट बोलते हैं जिसके अंदर हम वाइंडिंग को करते हैं। अब सेम यही चीज जो हमने स्टेटर के अंदर देखी, सेम ऐसा हमारे रोटर के अंदर भी होता है। अभी आप बोलेंगे कि रोटर पे तो हमारी कोई वाइंडिंग नहीं हो रही, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे रोटर के ऊपर भी वाइंडिंग होती है। अब आप बोलेंगे कि हमारे सामने ये रोटर रखा हुआ, इस रोटर के ऊपर तो हमें कोई वाइंडिंग ही देखने को नहीं मिल रही। तो दोस्तों यहाँ पर आप आज कंफर्म हो जाइए, आगे से आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो ये रोटर होता है ना, यह जो रोटर आपको दिख रहा है इस रोटर के ऊपर भी हमारी वाइंडिंग की गई है, लेकिन इसके ऊपर जो वाइंडिंग की गई है वो हमारे इस कंडक्टर बार से की गई है। असलियत में जो हमारा रोटर है वो रोटर तो कुछ इस प्रकार का होगा, इसके अंदर हमारे ऐसे स्लॉट होते हैं, लेकिन हमारी जो मोटर होती है स्क्वायर गेज, इसके अंदर हम इस तरीके से यहाँ पे कंडक्टर बार को डाल देते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे वाइंडिंग को ना करके हमारे एक सॉलिड कंडक्टर बार को ही डाल देते हैं, और उसे हम यहाँ से साइड से शॉर्ट कर देते हैं, जिससे हमारी ये वाइंडिंग की तरह बिहेव करती है। तो दोस्तों अब आपको एक बात तो यह क्लियर हो गई कि आखिरकार हमारा ये स्लॉट क्या होता है, और हमारे जो रोटर के स्लॉट होते हैं यह स्लॉट ही हमारे तिरछे रखे जाते हैं। इसी के तिरछे रखे होने की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो इस रोटर के अंदर जो कंडक्टर बार रखी हुई है वो हमारी तिरछी दिख रही है। और दोस्तों साथ ही साथ एक और बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी टाइप के रोटर में हमारे स्लॉट तिरछे रखे जाते हैं और हमारी जो वाइंडिंग है, जो हमारा कंडक्टर बार है, इसे तिरछा डाल जाता है, ऐसा नहीं है। दोस्तों अगर आप स्लिप रिंग मोटर को देखोगे, इसके रोटर को देखोगे, तो इसके अंदर भी हमारे जो स्लॉट है स्लॉट आपको तिरछे दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे कंडक्टर बार की जगह हमारी वाइंडिंग की जाती है, जो कि आप यहाँ पे इमेज में देख भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आपके सीलिंग फैन को भी देखोगे ना, तो यह जो हमारा पूरा सीलिंग फैन है, इसके अंदर हमारा इसका स्टेटर है और यह हमारा रोटर है। तो अगर आप इस सीलिंग फैन के रोटर को अच्छे से देखोगे तो आप देखोगे इसके रोटर में भी यहाँ पे ये जो कंडक्टर बार डाले गए ये हमारे टेढ़े डाले गए हैं। तो इतना सब देखने के बाद में हम सभी के मन में यह सवाल काफी ज्यादा आ जाता है कि आखिरकार ऐसा क्या होता है रोटर के अंदर जिसकी वजह से हमारे इसके स्लॉट तिरछे रखे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने के पीछे हमारे मुख्य तीन से चार रीजन आते हैं, जिसमें हमारा जो सबसे पहला रीजन आपको इंटरव्यू के अंदर बताना है, वह बताना है कि हमारा जो रोटर है, इस रोटर के जो स्लॉट अगर हम तिरछे रखते हैं तो इसकी वजह से हमारी जो मोटर है, इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। आखिरकार ये स्टार्टिंग टॉर्क कैसे बढ़ जाता है, इसे मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं तो टॉर्क का मतलब है हमारी मोटर पे लगने वाला प्रेशर, हमारी मोटर को जो धक्का लग रहा है वह धक्का हमारी मोटर को स्टार्टिंग में ज्यादा लगता है, जिसकी मदद से हमारी मोटर पे हम ज्यादा लोड जोड़ के भी उसे स्टार्ट कर पाते हैं। अब दोस्तों हम सभी के मन में एक सवाल यह भी आएगा कि आखिरकार इसको टेढ़ा करने से हमारे टॉर्क इंक्रीज कैसे हो रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ कैसे रहा है। तो इसका जवाब भी काफी ज्यादा सिंपल सा है, आपको बस हमेशा से एक बात यह ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर हमें किसी मोटर के टॉर्क को बढ़ाना है ना, किसी भी मोटर से अगर हमें ज्यादा टॉर्क चाहिए, तो इसके लिए हमें उसका जो रोटर है उस रोटर में फ्लो होने वाले करंट को कम करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि आखिरकार रोटर में फ्लो होने वाले करंट और हमारे इस रोटर के स्लॉट में क्या मैचिंग खा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात आ जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास में एक रोटर है, इस पहले केस में हमने रोटर के जो स्लॉट है वो बिल्कुल सीधे रखे, और दूसरे केस में हमने जो रोटर के स्लॉट रखे वो हमने तिरछे रखे। तो इसके कारण क्या हुआ, हमारी जो दूसरी स्थिति है ना, इसके अंदर जब हम इस स्लॉट के अंदर वाइंडिंग को करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे कंडक्टर बार डलेगा वो हमारा ज्यादा डलेगा। अब जब हमारा यहाँ पे कंडक्टर बार ज्यादा जाएगा तो इसके कारण क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और हमें पता है कि जब भी रेजिस्टेंस बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ने से हमारा क्या होता है, करंट कम होता है। तो हमें यही तो चीज चाहिए थी टॉर्क बढ़ाने के लिए, हमें हमारे रोटर के करंट को ही कम करना था। तो पहला फायदा हमें यही मिल जाता है, हम हमारी मोटर से ज्यादा टॉर्क को ले पाते हैं। इसके बाद में दोस्तों दूसरा बेनिफिट जो स्लॉट को तिरछा रखने से, स्क्वीड रखने से मिलता है, वो होता है हमारा प्रिवेंट कोगिंग। अब आप बोलेंगे कि आखिर ये प्रिवेंट कोगिंग क्या है। तो दोस्तों प्रिवेंट कोगिंग सिंपल सी चीज होती है, आपको जैसे कि भी मैंने बताया था कि हमारा जो स्टेटर होता है और हमारा जो रोटर होता है, इन दोनों के ऊपर हमारे स्लॉट बने होते हैं। अब दोस्तों कई बार हमारे सामने ऐसे केसेस भी आ जाते हैं कि हमारे जो स्टेटर के ऊपर जो स्लॉट है और हमारे रोटर के ऊपर जो स्लॉट है, ये दोनों की संख्या बराबर हो गई, जैसे कि स्टेटर पे भी 5 स्लॉट और रोटर पे भी 5 स्लॉट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, हमारे एक
प्रॉब्लम पैदा होती है उस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम मैग्नेटिक लॉकिंग। मतलब कि जब हम हमारी इस मोटर को रन कराएंगे तो उस समय हमारा स्टेटर से बनने वाला मैग्नेट और हमारे रोटर से बनने वाला मैग्नेट ये दोनों आपस में लॉक होने की संभावना होती है, ये दोनों आपस में मैग्नेट लॉकिंग होने की संभावना होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो रोटर है वो रोटर घूम ही नहीं पाता। और यह जो रोटर नहीं घूमने की जो समस्या आती है मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से इसे ही हम कॉगिंग बोलते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो रोटर पे जो स्लॉट तिरछे रखे जाते हैं इसका एक बेनिफिट यह भी हो जाता है, यह हमें कॉगिंग की समस्या से सुरक्षा देती है। इसके बाद में दोस्तों तीसरा बेनिफिट जो हमें रोटर के स्लॉट को तिरछा रखने पे मिलता है वो है हमारा प्रिवेंट स्क्रॉलिंग। दोस्तों यहाँ पर आपको ये कॉगिंग वर्ड क्रॉलिंग वर्ड ये सुनने में थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे लेकिन ये काफी ज्यादा सिंपल होते हैं और इसे हमें समझना भी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें यह वर्ड बार बार इलेक्ट्रिकल में सुनने को भी मिल सकते हैं। तो अभी हम प्रिवेंट क्रॉलिंग की बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्या होती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि हमारी जो ये मोटर होती है यह मोटर हमारी एक नॉन लीनियर लोड है और जो भी हमारे सिस्टम के नॉन लीनियर लोड होते हैं वो हमारी एक चीज प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम बोलते हैं हार्मोनिक। यह हार्मोनिक क्या होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन में जाके हार्मोनिक की वीडियो को चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं हार्मोनिक, तो हार्मोनिक एक तरह की हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की डिस्टर्बेंस है। मतलब कि हार्मोनिक हमारे इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कई तरीके से खराब कर सकती है। इसमें से एक समस्या यह भी आती है कि अगर हमारी मोटर के अंदर हार्मोनिक काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से हमारी जो मोटर के आरपीएम है, जो आप देखते हो कि आपकी मोटर के आरपीएम 3000 आरपीएम है 1500 आरपीएम है, वो 3000 से घट के हमारे 200-300 आरपीएम मोटर चलने लग जाएगी और हमारे 1500 से घट के हमारे 100-150 आरपीएम में मोटर चलने लग जाएगी। मतलब कि हमारी जो मोटर की स्पीड है वो इस हार्मोनिक की वजह से काफी ज्यादा धीरे हो जाती है। यानी हमारी मोटर पहले काफी तेज स्पीड पे चल रही थी वह मोटर हमारी बिल्कुल धीरे चलेगी, मतलब रेंगते रेंगते चलेगी, और यह मोटर की स्पीड हमारी इतनी धीरे हो जाती है इसी वजह से यहाँ पे क्रॉलिंग वर्ड यूज में लिया है। इस क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, क्रॉलिंग का मतलब होता है हमारा रेंगना। तो तीसरे पॉइंट का मतलब सिंपल सा यही है कि हमारे जो रोटर के ऊपर जो स्लॉट लगाए जाते हैं वो स्लॉट इस वजह से लगाए जाते हैं ताकि हमारे इस मोटर में पैदा होने वाले हार्मोनिक कम हो जाए, जिसकी वजह से हमारी मोटर में क्रॉलिंग की समस्या पैदा ना हो, मतलब कि हमारी मोटर बिल्कुल धीरे धीरे रेंगते हुए ना चले। इसके बाद में एक और हम आखिरी मुख्य पॉइंट की बात करते हैं कि हमारे जो रोटर है इस रोटर पे जो स्लॉट तिरछे रखे जाते हैं इसकी वजह से हमारी इस मोटर की हार्मिंग साउंड भी कम हो जाती है। मतलब कि मोटर के अंदर से आने वाली जो साउंड होती है, जो हार्मिंग साउंड होती है, वो हमारी काफी हद तक कम हो जाती है और साथ ही साथ हमारी इस मोटर से जो टॉर्क हमें मिलता है वह टॉर्क भी हमारा यूनिफॉर्म रहता है, मतलब कि बैलेंस रहता है, बार बार उतार चढ़ाव उस टॉर्क में नहीं आते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में टॉर्क से जुड़े भी सवाल है तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो हमारे इस चैनल पे है, आप वह वीडियो देखने के बाद में टॉर्क के बारे में अच्छे से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो पसंद करते हैं आज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।